हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लड गोलम्स की रियल स्टोरी। ब्लड गोलम्स स्मार्टी मेकर वर्ल्ड में है और उन्होंने बोला था कि एक स्टोरी बना, तो आज मैं हाजिर हूँ उस स्टोरी के साथ। तो चलिए एक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है गांव से, जाकर एक साइंटिस्ट होता है जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। और वो जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। और एक दिन वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम है किंग ओडिन जो है उसकी किंगडम के लिए, रक्षा के लिए कुछ बनाने को बोलता है। पर उस साइंटिस्ट को पता था कि किंग ओडिन बहुत ही बुरा है, तो उसने नहीं बनाया उसके लिए। और उसने बोला कि तुम बहुत बुरे हो, मैं नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद किंग ओडिन को आता है बहुत ही गुस्सा, और वो जो है उससे बदला लेने की सोच लेता है। वो एक दिन जो है एक ज़ॉम्बीज की फुल आर्मी बनाता है, म्यूटेंट ज़ॉम्बीज की फुल आर्मी बना देता है और उससे बदला लेने के लिए। और जैसे ही वो बन जाता है, वो किंग ओडिन जो है साइंटिस्ट से कहता है कि मैं तुम्हारे गांव पे हमला कर दूँगा, अगर बच सकते हो तो बच जाओ। कैसा क्या आपको पता चला कि वो साइंटिस्ट कौन है? अगर पता चला हो तो कमेंट्स में बता देना, अगर पता नहीं चला तो आगे देखना। उसने जो है ऐलान कर दिया कि अब उसके गांव में हमला होने वाला है। वो जो साइंटिस्ट था वो बहुत डर गया उस हमले से, उसको पता चल चुका था कि वो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज का ही हमला है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है पर वो उससे नहीं होता है, कितना भी इंटेलिजेंट हो उससे नहीं होता है। वहाँ पर बाहर एक आयरन गोलम घूम रहा था, उसने उसी के साथ कुछ करने की कोशिश की। और उसने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसे एक ब्लॉक ऑफ आयरन डालना था, पर उसने गलती से रेड स्टोन का ब्लॉक डाल दिया और वो एक रेड गोलम बन गया। रेड गोलम जब उसने इसको टच किया तो वो खून वाला गोलम था, यानी कि ब्लड गोलम। और उसने उसको ये रख दिया क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या वो स्ट्रांग है नहीं। पर उसने बहुत रिसर्च की इस ब्लड गोलम के बारे में और उसे ये पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ये संभाल देगा। तो जब हमला हुआ उसके गांव में, तो ब्लड गोलम्स ने उन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को एक एक शॉट में मार दिया। वो जो साइंटिस्ट था वो बहुत ज़्यादा चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस किंग ओडिन ने फिर से एक ऐलान कर दिया जंग का और वो बहुत तेज़ आवाज़ में उसने ऐलान किया। उस तेज़ आवाज़ में बहुत सारे लोग अब इकट्ठा हो गए। तो अभी पता चला कि वो साइंटिस्ट कौन है तो बता देता हूँ मैं ही। वो साइंटिस्ट है इंटेलिजेंट गाय, वही था। हाँ, अभी मैं कहा था सब लोग भाग कर आ गए, एक किंगडम के लोग भाग कर आए कि ये क्या है। और उस सब लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उसको विलेजर्स ने बोला कि एक वॉर हो रहा है और एक गोलम ने सबको मार दिया। उन्होंने एक प्रूफ करने के लिए वहाँ पर बैठे और सच में ऐसा ही हुआ। एक गोलम ने उन 10 म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को मार दिया। जब उसे ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गया और साइंटिस्ट से बोला कि मुझे भी चाहिए अपने किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए, तो प्लीज़ मुझे बना के दे दो। तो वो साइंटिस्ट मान गया, साइंटिस्ट ने यार इंटेलिजेंट गाय मान गया और उन्होंने बना के दे दिया।
इसके आपको पता चला कि वो कौन था वो किंगडम के लोग? वो किंगडम के लोग और कोई नहीं, किंग्स लैंड के लोग थे। वहाँ पर पहले ड्रीम बॉय राज करता था, ये तब की बात है। और जब उन्होंने बना दिया तो उन्होंने इस उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड के प्रोटेक्शन के लिए रख दिया। तो वैसे ये थी ब्लड गोलम्स की रियल स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि मैं आपकी स्टोरी को भी देखूँ तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तक के लिए बाय। वेट वेट यार, ये बंद नहीं हुआ।